वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। सो आज हमारा टेक्निकली सेकंड डे है पोखरा में, और ऑफिशियली जो है ये हमारा फर्स्ट डे है फुल डे पोखरा के अंदर। और अभी हम लोग जो है जस्ट सो के उठे हैं, करीबन टाइम जो है वो 8 बज चुके हैं। मौसम के बारे में अगर आप बात करोगे तो मौसम जो है वो बिल्कुल क्लियर है, अगर आप मेरे पीछे देख पाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को हिमालयस की जो पीक है वो थोड़ी थोड़ी इसमें जो है देखने को मिल जाएगी। बाकी अगर आप अभी के बारे में बात करते हो तो स्टार्ट जो है मॉर्निंग का बहुत अच्छा हुआ। अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे, उससे पहले मेरे को रिचार्ज कराना है, क्योंकि आप लोगों को पता है वीडियोस अपलोड हो रही है। ऑल दो यहाँ का वाईफाई बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत प्रीमियम वाईफाई है, लेकिन स्टिल मैं जो हूँ, मैंने यहाँ की जो सिम ली थी उसमें मैं रिचार्ज करके रखता हूँ, जिससे हम लोग जब ट्रैवल कर रहे हो तो हमारा मैप और सब चीज़ चल सके। ऑल दो हम इंडिया से जो है अपना इंटरनेशनल रोमिंग ऑन करा के आए, लेकिन मेरे वाले नंबर में रोमिंग सही से चल नहीं रही थी, आकृति वाले में ठीक चल रही है। 1500 रुपये करीब का आपको रिचार्ज कराना होता है एयरटेल में 10 दिन के, अगर आप चाहे तो। अभी चलते हैं बाहर रिचार्ज कराते हैं, फिर आपसे और बात करें। सो आज हम लोग लेट हो चुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए, ऑल थैंक्स टू आकृति गोयल। तो वो चाबी, इट्स कॉल्ड की ब्रो। सो बेसिकली मेरी वजह से इसलिए लेट हुई, मैं रात को 3:30 बजे सोई थी, सर तो सो गए थे 10 बजे, वो नींद नहीं आ रही थी। मैं उठ के अपने आराम से केले खा लिए, बाहर रिचार्ज करा लिया। ऐसा गाना मेरे लिए नहीं है, नॉन वेज गाड़ी जो है वो पूरी रात भर जो है बंद रही है, और टेम्परेचर था अच्छा खासा डाउन, तो विल चेक इट। आगे देख रहे हो पूरा भाप वाप बन गई, अभी तो धूप आ गई इसलिए अच्छा होगा, नहीं तो अगर वैसे मौसम होता तो हम लोग वेट करेंगे जब तक लाइट्स ना चले जाओ ऊपर से। ठीक है, गुड टू गो, वेरी इजली, क्योंकि माइनस में टेम्परेचर नहीं है ना। अब आप लोगों को ऑफिशियली बता देते हैं, तो हमारा जो ये ट्रिप स्पॉन्सर किया है ये किया है www.budmo.com, जो कि है एक स्पेयर पार्ट एक्सपर्ट। तो अगर आप लोग किसी भी तरीके का स्पेयर पार्ट ढूंढ रहे हो और आप चाहते हैं कि वो आपके डोर स्टेप में आप लोगों को मिल जाए, तो budmo.com जो है वो बहुत एक अच्छा ऑप्शन है। वेबसाइट एंड्रॉयड के फ़ोन से या फिर iOS वाले यानी कि आपके एप्पल वाले फ़ोन से आप लोग जो है इनकी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और आप लोग बहुत ईजिली जो है ऑर्डरिंग कर सकते हो। और स्पेयर पार्ट्स के साथ साथ में अगर आप लोगों को और भी कोई सामान चाहिए जो कि आप लोगों का गाड़ी का एसेंशियल चीज़ है, तो वो भी आप लोगों को बूटमो जो है अवेलेबल करा देता है। हमारे लिए काफ़ी किफ़ायती और अच्छा रहा है, आप लोगों को ऑफ भी मिलता है, आप लोगों को अच्छा प्राइस भी मिलता है, और ऑन टाइम आप लोगों को डिलीवरी मिलती है। तो आज ही जाओ और परचेज करो कोई भी स्पेयर पार्ट www.budmo.com से। सो गाइस, हम लोग होटल से निकल गए और अब हम लोग जा रहे हैं कहाँ, राहुल? महिंद्रा केव है, मेरे को अभी एग्जैक्ट नहीं पता। तो वो 9.54 किलोमीटर है पहले, और इसी के बीच में हम लोगों को वॉशिंग भी मिल जाएगी कहीं पर, वो क्या अच्छा मेन, हम इसीलिए जा रहे हैं यहाँ पे पहले, बिकॉज हमें वॉशिंग ही करानी गाड़ी की, गाड़ी की हालत बहुत खराब है यार। आगे से भी है, आगे से है, चलिए गाइस देखते हैं पहले वॉशिंग होती है। लेकिन भाई मैं पर्सनली बताना चाहूंगा, व्हाट अ प्लेस पोखरा, इतनी नीट एंड क्लीन जगह है, अमेजिंग पहाड़ है। थोड़ा बीच में पैच जरूर खराब था, लेकिन उसके हिसाब से फिर भी इट वाज सुपर नाइस, इट वाज सुपर ग्रेट, बहुत अच्छा पूरा रास्ता। वही डॉग है जो कल तुम्हारे पास आया था कैफे पे, जयंतीलाल, हां, आई कॉल हिम जयंतीलाल। सो 9.2 किलोमीटर्स मूव एंड देन वी विल रीच केव, उससे पहले अगर वॉशिंग वाला मिल जाता तो वो कह रहे थे इधर ही कहीं मिलेगा वॉशिंग। फाइनली इतने लोगों से पूछने के बाद कार वॉश, कार डिटेलिंग एंड एच सब कुछ मिल गया, गन गंडाकी इको टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड पे। सो कार वॉश उधर से लाऊं? तो अभी तो ऑलरेडी कार वॉश हो रही है, तो आई गेस टाइम लगेगा थोड़ा, जो चीज करानी है सो करानी है। तो पहले तो गाड़ी की हालत दिखा देना लोगों को कैसी हो रही है कंडीशन, तो भाई बहुत ही प्रीमियम है अभी गाड़ी की। ओके गाइस, तो अभी जो है गाड़ी बहुत गंदी हो रही है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार, आप लोग थोड़ा सा आइडिया ले लो। ठीक है, ऐसी कंडीशन में है, तो सारा मिट्टी जो मेजर मिट्टी है वो इसके अंदर की तरफ में है। ठीक है, ये देखो,
यहाँ पूरी मिट्टी मिट्टी हो रखी है, तो अंदर से मैं गाड़ी क्लीन नहीं करा रहा, बाहर से कराएंगे, ठीक है। कुछ भी जो मतलब मेजर नीचे से हो जाए और बाहर से हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। ज़्यादा मैंने बोल दिया कि प्रेशर नहीं मारना, नॉर्मल प्रेशर से साफ हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ आए और लाइट चली गई, तो हम जहाँ जाते हैं वहाँ लाइट चली जाती है। तो अब यहाँ पर भी क्लीन नहीं हो पाएगी, वापसी में देखते हैं। फिलहाल हम जा रहे हैं महेंद्र के, सो देखते हैं वहाँ कैसे रहता है क्या रहता है, मिलते हैं फिर वहीं पर। गई तो अब जो आप सीधा देख रहे हैं वह जन्नत किरौल भाई साहब, मतलब ये तो भाई क्या लग रहा है भाई, प्योर जन्नत। So nice. और यहाँ पे कोई अन्नपूर्णा वो है आई गेस, अन्नपूर्णा या समथिंग जो पॉइंट है जहाँ पे आप हेलीकॉप्टर से जा सकते हो, हेलीपैड है वहाँ पे कोई, जो आई थिंक स्नो में ही है। स्नो में? हाँ अच्छा, पता नहीं, ये नहीं पता, ये आपने मेरे को नहीं चीज़। हाँ मैंने देखा था वहाँ पे ना, जहाँ हम कल पूछने गए थे। तो वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? हेलीकॉप्टर से। अरे हेलीकॉप्टर तो एयरपोर्ट से मिलेगा। हाँ हेलीकॉप्टर एयरपोर्ट से मिलेगा, वो उस पॉइंट तक लेके जाएगा। अच्छा तो आपको एक गाड़ी और दिखाता हूँ किया की, आगे चेक करो स्पॉटेज। ये भी इंडिया में नहीं आई, स्पॉटेज आने वाली थी, आई नहीं आई गेस। राइट, सोनेट आ गई ना। हाँ। क्या सोनेट है ना, किया सोनेट रही। तो गूगल मैप जो है वो हमको अंदर से लेके जा रहे हैं। अभी रोड है या गली है राहुल, व्हाट डू यू थिंक? यार ये रोड ही होगी, आगे यहाँ पर काम भी चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन नहीं, कुछ खुदाई टाइप चल रही है। रोड तो नहीं बढ़ा रहे होंगे फॉर श्योर, क्योंकि भाई पहाड़ों की रोड ऐसी होती है। तो अब हम जा रहे हैं और अभी भी 3.9 किलोमीटर, मतलब टाइम कम सा नहीं हो रहा ना, हमारा वक्त खराब चल रहा है इसके साथ। तो आप देख सकते हो ये प्रॉपर मार्केट है यार, इट्स नॉट लाइक ऐसी है, बट प्रॉपर मार्केट है, यहाँ पे सब कुछ है यार। ये सही है, सही, हर गली से आपको हिमालय का एक प्रॉपर व्यू मिल रहा है। करेक्ट, यहाँ पर होंगे हिमालयन व्यू वाले होटल्स बहुत सारे। हाँ, यार रूम बनाए होंगे उससे बड़ा ही अच्छा व्यू आता है। और मोस्ट प्रॉब्लम मेरे को लगता है इन पहाड़ों पे ना स्कीइंग भी होती होंगी, एवरेस्ट में, ओ सॉरी हिमालय में। हाँ क्योंकि यहाँ पे बड़ी सारी शॉप्स पे मैंने स्कीइंग गियर देखे हैं, तो है ना, आइडिया नहीं है, हो सकता है, कुड बी, इट कुड बी पॉसिबल गाइस। सो लेट्स गो, देखते हैं 3.8 किलोमीटर बाद कैसा रहता है। अब हमने जाना है बस 400 मीटर, और यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे और वो केव आ जाएगी। आई डोंट थिंक, मैंने गूगल पे देखा था वो प्रॉपर केव नहीं है, बट इट्स नेम इज केव, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बाकी जाके ही पता लगेगा। बट जो मैंने फोटो देखी है उसके अकॉर्डिंग वहाँ कोई बिल्डिंग नहीं बनी थी, और शायद उसके अंदर केव है या क्या है, देखते हैं। चलो 200 मीटर रह गया, तो पहुंच गए और ये पार्किंग है। हाँ राइट, ये पार्किंग है, ये महेंद्र के एंट्रेंस। यहाँ पे पार्क करते हैं और फिर अंदर चलते हैं और फिर देखते हैं कैसा है। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं महेंद्र केव एंट्रेंस, और यहाँ पर कुछ टिकट देना होगा। नेपाली टूरिस्ट 50, स्टूडेंट टूरिस्ट 30, इंडियन टूरिस्ट 80। टू टिकट्स 160, यू गिव इट ना। तो गाइस अब हम लोग एंटर कर रहे हैं महेंद्र केव में, महेंद्र केव 80 रुपीज़ टिकट है एक, और ऐसी ही केव है, सॉरी आई वाज रॉन्ग, वो मैंने दूसरी केव देखी थी, यहाँ पे प्रॉपर केव है। अच्छा ठीक है, शिव जी का शिवलिंग भी अंदर? यस सर है, ओके। इट्स गोइंग टू बी एक्साइटिंग गाइस, बस ज़्यादा चलना ना हो यही खौफ रहता है हम लोगों को। सो वे टू केव इज ऑन द राइट, लेट्स गो गाइस। तो ये उतराई में तो चले जाएंगे हम वापस, ये अन्नपूर्णा बेस कैंप। अच्छा यही है। हाँ जहाँ पे मैंने बोला ना कि जाते हैं तो वो दिखता है, और बैट केव भी है कोई, यहाँ पे बैट्स होंगे बहुत सारे। ओह शिट, मेरे को नहीं देखना, मेरे को भी नहीं देखना, कहीं हम वापस जा रहे हो वैम्पायर बन के, बैटमैन।
वादियाँ कुछ ऐसी सी है देखने का, सुंदर, वेरी नाइस। ओके, दिस इज द केव दैट यू हैव टू गो टू। पास ही है ना? हाँ। तो वॉच योर स्टेप्स। यस आई विल। छोटे स्टेप है। हाँ। नेपाल में हम लोगों ने ये देखा कि छोटे स्टेप से बेटर ऑप्शन है, बिकॉज छोटे स्टेप में जल्दी थकान नहीं होती है। जल्दी थकान नहीं होती ना। हाँ। ये है। Crazy. तो अब मेरे को फ्लैश जलाना पड़ेगा। अभी तो जला नहीं है, आगे चल के खा सकती है। पहले जलाई लेता हूँ ना। जलाइए। चले। Should we go? That's how the cave looks like. ठीक है, ये आप लोगों का एंट्री का लोकर। चलो। क्या तुम रुक क्यों गए? चलो ना। डर लगता है। किस चीज का डर लगता है? And we'll go down, na? You can open your flash also. Yeah, I have to. इतना ही है क्या? और भी अंदर जाके ना? हाँ, अंदर जाना है। गुफा मित्र। गुफा भीतर। देवता की मंद वो है मूर्ति है। तोड़फोड़ करन सख्त मनाही छ। ठीक है, चलो आओ। Let's go, bro. चलो ना। I'm a little claustrophobic. तुम तो यार इतने सारे वो करना चाहते हो। इधर आप पानी दिस रहे, थोड़ा सा बचा के आओ। ऊपर देख रहे हो? लोगों ने यहाँ देख लो घर बना रखे हैं, पत्थर के घर बनाते हैं। थोड़ा देख के नीचे ना। You can turn on the flash also. Want me to turn it off? Yeah. अभी बंद है। खुला होता होगा पहले ना। भगवान जी। अच्छा, बढ़िया है लेकिन, है ना? हो सकता है थोड़ा ऑक्सीजन लेवल भी नीचे हो। कुछ भी नहीं होगा, अभी बढ़िया है। मंदिर आ गए। मंदिर पहुंच गए। शूज उतारने होंगे। ऑब्वियसली तो उतार दो, इधर ही नीचे उतार के उतारते ना उधर थोड़ा। पंडित इधर ही उतार दे शूज। आई आई। जूते पहन के? नहीं, आई आई। यहाँ नीचे उतार देंगे ना। यहाँ यहाँ आई है, यहाँ उतार दे। आप कहाँ से हो? दिल्ली। हाँ, ये एक बात क्षमा चाहता हूँ। हाँ जी। जूता मत उतारिएगा, क्योंकि ये टूरिस्ट क्षेत्र भी है, धार्मिक क्षेत्र भी है। एक अच्छा। लोग हिंदुओं का मंदिर रखना यहाँ मना है, क्योंकि ये टूरिस्ट क्षेत्र से धार्मिक क्षेत्र जुड़ी हुए ना। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए यहाँ विश्व भर का आदमी आते जाते रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए आइए आप, क्योंकि भगवान से आप पहले प्रायश्चित किया। अच्छा, यही है आपका मन, श्रद्धा है, भक्ति है। अच्छा, आइए, आता जरूर आइए। भगवान से माफ किया पहले ने आपने, यही है धर्म हमारा, क्योंकि ये टूरिस्ट क्षेत्र है ना, यहाँ विश्व भर का आदमी जाते रहते हैं। सबको जूता फुकाल कर आना नहीं बोल पाते। करेक्ट, तो समझ पाए ना? बिल्कुल समझ पाए। आपका नाम सर? शुभ नाम। मेरा श्री राम अधिकारी। आप बड़ी अच्छी आपकी हिंदी है सर, बिल्कुल क्लियर हिंदी आप बोलते हैं, काफी अच्छा लगा। यहाँ लगभग 70% तो हिंदू आते हैं, इंडिया से आते। अच्छा, 70% 70%, वेरी नाइस। अभी ये कोविड का माहौल है ना, इसलिए कम है। हाँ जी, नहीं तो इंडियन लोग ज्यादा आते हैं।
अच्छा रिश्ते है ना नेपाल इंडिया का, इसको बचा के रखना है हम। नहीं नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल सर बिल्कुल। और ये कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया सर, हम तो सर पूरा नेपाल का टूर कर रहे हैं, हम तो गाड़ी से कर रहे हैं सर अपनी ना, तो अपनी गाड़ी से, अपनी गाड़ी से आए सर। तो सर क्या, क्या करते हो आप? सर हम यही है वीडियो बनाते हैं सर, अलग अलग जगह पूरी हर जगह घूमते हैं, वीडियो बनाते हैं, घूमने का काम है सर। वो भी आपका कोई कर्म करना ही होगा। हाँ जी सर, कर्म कर, कर्म करना ही है सर। आप परिवार है? हाँ परिवार है, वाइफ है मेरी। थोड़ा जल छिड़काऊं आपको? हाँ जी हाँ जी। ओम देव शांति हे, ओम राहा शांति हे, ओम रोखादाय शांति हे, ओम वनस्पतय शांति हे। ये 2017 साल में जो नेपाल का राजा था ना महेंद्र सरकार, वही राजा ने इसको अवलोकन किया, उद्घाटन किया, यहाँ विजिट किया, यहाँ छुपा भी था पहले, इसीलिए राजा ने रखा दिया इसका नाम महेंद्र गुफा। यहाँ विश्व भर का आदमी आते जाते रहते, लगभग ये 62 वर्ष हो गए। ये तीनों तरफ है ये गुफा, एक तरफ वो टर्निंग से सीधा लेफ्ट साइड में आपको एडवेंचर गुफा है। अच्छा, जो जो बंद हो रखी है? नहीं नहीं, वही टर्निंग सीधा यहीं आगे, सीधा यहाँ से ये लेफ्ट साइड में एडवेंचर कैब है। अच्छा। और ये थोड़ा इधर जाकर सीधा आगे जाकर अंधेरा तरफ, हाँ। आपका बाहर धर्म द्वार मिलेगा, आप वहाँ से जा सकते हैं जरूर बाहर। पर वहाँ लाइट, ये इसके ये उजाला भाग है 125 मीटर, अंधेरा भाग है एक तरफ 90 मीटर और वो चाहिए 30 मीटर, एक करीबन 30-35 मीटर, ठीक है। और जो ये स्कूल का गुफा है, हाँ जी, स्कूल का आपके पास टिकट होगा जरूर पढ़िएगा, ठीक है। वो चीज, वो बिल्कुल वो चीज, यहाँ का आमदनी स्रोत से स्कूल संचालन हो रहा है, एक तरफ आप पर्यटन क्षेत्र निभा रहे हैं, ठीक है, एक तरफ धार्मिक क्षेत्र, एक तरफ डोनेशन भी कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि ये स्कूल का गुफा है, स्कूल की गुफा है, जो निजी स्रोत का कर्मचारी होते है ना वो तलब लेते हैं यहाँ से, ठीक है, राइट। अस्थायी होते है ना, हाँ जी, करार का जो होते है ना वो यही गुफा व्यवस्थापन समिति से तलब लेते हैं, ठीक है सर। और यहाँ गणपति बाबा जो प्रधान देवता, सिद्धि विनायक, सिद्धि विनायक जी, प्राकृतिक मूर्ति, आपको कोई मंदिर देखा हुआ है यहाँ, कोई मूर्ति लगा हुआ है? ये टोटल नेचुरल है, नेचुरल है। और थोड़ा टीका लगाओगे? टीका लगाएगा, ठीक है लीजिए। ठीक है बहन जी, जहाँ से हो, जुन धरातल से भी हो, धर्म बचाना जरूरी है। घर एक सभ्यता का पहला पाठशाला है बहन जी, असल सभ्यता बने आपका घर से, और घर संभालना भी ज्यादा दायित्व पुरुष से भी ज्यादा आपका है। ईश्वरीय खुशी संतान लीजिएगा, जीवन रहे तक सुमधुर संबंध रहे, शांति अंदर है, ईश्वरीय चिंतन करे तो भगवान भी आपका अंदर है, स्वर्ग आपका घर है। अभी तक कोई आदमी स्वर्ग नहीं गए, घर को स्वर्ग बनाइएगा। माँ का गर्भ से खाली आए हैं बहन जी, लाना है सत्कर्म, और सत्कर्म का संचय करें, संतोष से जीना है, शांति और मजबूत कर्म करें, और ग्रह शुभ फल दे, स्वस्थ स्थान में रहकर, और गणपति बाबा रक्षा करें आपका। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटे सम प्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा सर्वमंगल्य मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरे नारायणे नमस्तुते। गाइस हम धर्म द्वार से बाहर नहीं आए क्योंकि मेरे को डर लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और धर्म द्वार का रास्ता जरूर जो आपको दिखा दूंगा, मे बी यही रास्ता है, यही रास्ता है जहाँ से आप लोग बाहर निकलते हो, ठीक है। हाँ इधर से आप लोग जो है, अगर आप धर्म द्वार से आओगे तो आप लोग यहाँ से निकल के आओगे। यहाँ से जा सकते हो इफ यू वांट टू गो, ये खड़ी चढ़ाई है ना, खड़ी चढ़ाई में गिरने के ज्यादा चांसेस होते हैं, ऊपर चढ़ तक तो फिर भी आप बच जाओगे। चलो अच्छा हुआ फिर तो नहीं आए। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, लुक्स नाइस ना। लेट्स सी, हम लोग जा रहे हैं बैक केव जो कि 700 मीटर ही दूर था, 300 मीटर 200 मीटर रह गया, और देखते हैं हम अंदर जाने की हिम्मत कर पाएंगे क्या। नहीं क्या अंदर नहीं जा रहे, मैं तो बाहर से देख के आ रहा हूं, मेरे को तो कोई इंटरेस्ट नहीं है बैक केव देखने, आपको दिखाना है तो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा तो देखना पड़ेगा, थोड़ी सी तो हिम्मत करनी पड़ेगी। अब तेरे को बैठ के देखना है, बाहर से तो देख ही लेंगे ब्रो, बैठ के का नहीं है सीन अपना तो। राहुल को जानवरों से वैसे ही कुछ खास प्यार है नहीं है सर, जानवरों की बात नहीं है, ये होगा बैठ के ऊपर जाके दिखाएं, नीचे जाके होगा।
पौनी पे राइट करा रहे हैं, पौनी पे बैठ के क्या है, बैठ के पे राइट तो कर गए हम, रास्ता में ये तो पार्किंग है वोरी। वेलकम टू बैट केव, दिस इज हाउ द बैट केव लुक्स लाइक, आप लोगों ने देख लिया, आई होप यू एंजॉयड, नाउ वी आर गोइंग बैक, हम अंदर तो नहीं जा रहे। If you want, you can go and आप वीडियो बना सकते हो। तो थोड़ी दूर तक जाऊंगे मतलब। थोड़े दूर कोई। शुरू में ही। तो बस जब इतना डर लगता तो मत करो ना वो चीज़। थोड़ा क्यों करना है? वो तो कर नहीं पाए जो कि मैंने आपको बताया था। वो तुम कर लेते, ऊपर चढ़ते वापस ही लेके आते मेरे को वहां से तुम कर लेते। सो गाइस ये रास्ता तो वही है जिससे हम आए थे अभी, पर राहुल अगर हमें अभी वॉशिंग वाला मिलता तो पहले हम वॉशिंग करा लेंगे फिर चलेंगे केव में। अच्छी पहले वॉशिंग का होना भी तो चाहिए अवेलेबल। देखते हैं कि लाइट तो सब जगह आई हुई है। ये देखो भाई अब काफी सारे रेसर है भाई, ऐसी आवाजें सुनने को बहुत ज्यादा मिल रही है। तो आप बस 8.1 किलोमीटर है, वैसे तो ये हमारे होटल से ज़्यादा पास ये वाली केव थी तो हम यहीं जाने की सोच रहे थे पहले, पर क्योंकि हमें वॉशिंग करानी थी तो इसलिए हम यहाँ आ गए। तो अब 8 किलोमीटर पे है, लेट्स सी अगर बीच में कोई वॉशिंग वाला मिलता तो वॉशिंग करा ही लेंगे। वॉशिंग तो वहीं से कराएंगे अपनी जगह से ना, उसी जगह से। वहाँ पर थोड़ा हाईटेक था, गाड़ी उठ के साफ हो जाएगी। हाँ स्टीम वॉश वगैरह भी थी। हाँ स्टीम वॉश तो चलो इतना कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंडर से मतलब अंडर बॉडी जो है वो अच्छे से सफाई हो जाएगी। चलो ठीक है, तो यहाँ से लेफ्ट सीधा एंड वी आर बैक एट द वॉशिंग सेंटर। नहीं लाइट नहीं है, तो गाने कैसे बज रहे? ये कार में बज रहे। अच्छा खाड़ी बज रहे। ओहो तो लाइट तो आई नहीं, चलो कोई बात, गाड़ी की वॉशिंग तो हुई नहीं तो ना, हम लोग तेवीस फॉल गए ना गुप्तेश्वर केव गए, हम लोग आ गए होटल और होटल सब हम पैदल निकले हैं थोड़ा एक्सप्लोर करने, क्योंकि हमने सोचा क्योंकि उस तरफ थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ट्रैफिक हो रहा था। हाँ एंड प्लस हमने सोचा अभी हमारे पास 3 दिन और यार, तो उन दिन क्या करेंगे अगर सब आज ही घूम लेंगे, तो इसलिए हमने प्लान किया कि थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लोर किया जाए। एक्सप्लोर करेंगे और फिर बोटिंग भी करेंगे। ठीक है तो गाइज हम लोगों को फाइनली नेपाल आके जो है अपना मनपसंद खाना मिल गया है। ठीक है सो वी आर गोइंग इनसाइड। तो क्या खाने वाले थे दिनों बाद? हम खाएंगे समोसा और पाव भाजी और देखते हैं कुछ मीठा भी खाएंगे, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। So guys, अब हम next जा रहे हैं बोटिंग करने के लिए। और वहाँ पे वो प्लेन वाला भी उड़ रहा है, वो देख। प्लेन भी उड़ रहा है? हाँ। अच्छा ऊपर उड़ रहा है ना, दिख रहा है? हाँ वो पैराग्लाइडिंग भी हो रही है, प्लेन वाला भी उड़ रहा है। और देख शुरुआत वहाँ से हो रही है, वहाँ पे देख कितने सारे मक्खी इधर कहाँ है वो उस वाली पहाड़ी पे इधर ऊपर। हाँ दिख रहा है मक्खी की तरह, मक्खी की तरह ऊपर लेके जा रहे यार। हाँ तो ऊपर पहाड़ी से करवाएंगे ना, तुम अकेले जाओगे तो ऊपर इतना के लिए ऊपर रख ले जाएगा। मजा तो असली इसी में भाई, तू भी करेगा यार, मेरे को पता तू कर लेगा। मेरे को प्लेन वाले में इंटरेस्ट ही नहीं है यार, मैं आपको पहले बोला, तूने पहले बोला था कि मैं वही करूंगा पर लेकिन मैंने कुछ रीजन बताया उसके बाद मैंने वो चीज ड्रॉप करी, वो मैं बताना नहीं चाहता ऑन कैमरा, कुछ रीजन थे बट मैं तो करूंगी, आई एम अ ब्रेव पर्सन। या यू कैन डू इट। तो भाई स्टोरी क्या है अभी कि दैट्स हाउ द वेरी नाइस लेक नो एंड इट्स वेरी बिग, लेकिन यहाँ से आपको लग रहा हुआ है किलो का लैंडिंग पॉइंट का है, लेक क्यों उतारते हैं? लैंडिंग पॉइंट वहाँ कहीं तो नहीं है, आई थिंक उस पहाड़ी के पहले टिकट तो ले ले एक बार, हार लेते हैं ना क्यों ना भैया, 60 खुले दे रही हूँ आप। गाइस अब हम लोग जो है बोटिंग के लिए जा रहे हैं। Yes. We are paying 1760 rupees, Nepali rupees. And हम लोग कुछ एक इधर कहते हैं और कुछ 5-6 स्पॉट्स हैं जो देखेंगे। So there are basically two sides. There's a upper side and a lower side. Yeah. So हम लोग जो है lower side cover कर रहे हैं। हम upper side जा रहे हैं। This side is the lower side. Upper side जा रहे हैं? अच्छा upper side जा रहे हैं। Thank you. So भैया कह रहे थे कि दो मोटे मोटे उनके लिए दे दो। क्या है तो है, क्या हो गया खाते पीते? हम क्या किया ना? है कि नहीं? So guys हमारे साथ हमारे ये भैया बोट चलाएंगे। आप बोट चलाएंगे? आपका बहादुर क्या नाम है? कृष्णा बहादुर। कृष्णा बहादुर
डुबाना मत भाई बस, बाकी सब ठीक है। बैठे रुक जा भाई, मौका तो दे दे उनको, लेट हिम सेटल। आप ही चल रहे हो क्या? आप ही चलोगे? अच्छा, ड्राइविंग हम करता है ना, सेंटर से वॉक मिडल वो पट्टी से चलिए था। हाँ, यू कैन सिट इन लास्ट, या देन टर्न दिस, और पीछे जाना है, जाना है तो जाइए पीछे, ठीक है ना? थोड़ा पीछे जाइए भैया, इधर बैठे ना, बोर्ड पलट जाएगी आराम से। हाँ, टर्न वही है। अच्छा, उधर हम लोग बैठ चुके हैं बोट के अंदर, एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर बोटिंग, एंड वी आर विद बहादुर भैया। एंड भैया, ये किस चीज़ के लिए यूज होता है, ये किस में जाता है? हाँ, अच्छा, कौन सी लेक? पे वाले। हाथ अंदर कीजिए। अच्छा, ये वो लग रहा होगा नंबर, जैसे उनकी बोट निकली फिर आपकी आएगी। उनके वो रेस्क्यू के लिए बोट है, स्पीड बोट है ना? स्पीड बोट है। सो हम लोग आ चुके हैं थोड़ा सा आगे। हाँ भैया, क्या पूछ रहे थे? फर्स्ट टाइम भैया नेपाल। हम लोग भैया दिल्ली से नेपाल कर रहे हैं, गाड़ी से। हम गाड़ी से आए। अब इसके बाद सारा कवर कर लिया पूरा, चितवन से हमने उधर से शुरू किया था, लुम्बिनी की साइड से। हाँ, मुक्तिनाथ नहीं जाएगा? मुक्तिनाथ मंदिर जो है वो कहाँ पर है? इधर ट्रेकिंग साइट में। अच्छा, वो हिमाल के पास, वो धौलागिरी हिमाल के पास, वो जो ऊपर है? नहीं नहीं, लास्ट सामने पीछे नीचे, लास्ट पॉइंट इज धौलागिरी। अच्छा, दिस वन साउथ अन्नपूर्ण वन। ओके, थोड़ा उधर ही बगल में है टू। ओके, दिस वन फिशटेल। ओके, एंड थ्री, नाउ उधर क्लाउड है, फोर है। अच्छा, और दूसरा आपके अकॉर्डिंग कहाँ तक जाना चाहिए? मुक्तिनाथ कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से एक दिन लगेगा। एक दिन लगेगा, तो भी हमारे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट है, और हमारा वो भी ओवर होने वाला है ना। नेक्स्ट टाइम आइए। नेक्स्ट टाइम आएंगे, डन है। ट्रेकिंग के लिए आइए। बिल्कुल। ऑक्सीजन की दिक्कत होती है? ऑक्सीजन की दिक्कत होती है? नहीं होता है। नहीं होता? नहीं होता है। चलो ठीक। ये बॉटल ऐसे क्यों डाली हुई है? ये बोट बांधने की चीज है। अच्छा, बोट बांधने की चीज है ना, ये नहीं तो रस्सी अंदर जाएगा ना। अच्छा, नाइस। तो काफ़ी अच्छी बोटिंग का एंजॉयमेंट आकृति लेते हुए, और मैंने भी काफ़ी मज़ा लिया। ठीक है, अब वहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्पॉट, वहाँ पर रुकें। क्या नाम है इस विलेज का? गुरुंग अनादु। गुरुंग अनादु पार्क। अच्छा, कमर में दर्द हो गया। सहोदा नाइस कैफे, व्हाट इज द नेम? लेक हाउस। Lake House. And this is the lighthouse. Nice. So guys, हम लोग जो है अब दूसरे स्पॉट में आ चुके हैं, हमारे साथ भैया भी है। भैया तो ऑफकोर्स ही बातें होंगे, नहीं तो हम यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? ठीक है, तो भैया आप क्या है यहाँ पर, क्या ये रास्ता कहाँ जाता है भैया? स्तूपा। ये स्तूपा की तरफ में रास्ता जाता है, तो यहाँ से आप लोगों को वॉकिंग जाना है करीबन 45 मिनट से एक घंटे का ट्रैकिंग। एक घंटा मिनिमम, एक घंटा अभी, और हमारे हिसाब से 2 घंटे। हम जैसों के लिए तो दिन भी लग सकता है। एक पूरा दिन तो लोग गए हुए हैं ना। हाँ, बोटें तो खड़ी हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा स्मार्ट प्ले करेंगे, हमें जाना है तो हम गाड़ी से जाएंगे, हमारे पास गाड़ी है ना अपनी। वो 15 मिनट में पहुंच जाएगा। कौन 15 मिनट पहुंच जाएगा गाड़ी से? तो यही रास्ता है? ये रास्ता नहीं, वो दूसरा, इसके पीछे से, ये पहाड़ का पीछे। अच्छा, चल के तो यहीं से जाना होगा? नहीं, उधर। अच्छा, उस कॉर्नर से। रेस्टोरेंट खुला हुआ था, टिपिकल रेस्टोरेंट, बिल्कुल ठंडा ठंडा लग रहा है ना। अक्कू ने जैकेट भी नहीं पहन रखी, अक्कू ने अपना स्टोन कैरी किया है। ये जगह ठंडा जगह है। अच्छा, बताओ कहाँ से भैया रास्ता ऊपर जाने का? थोड़ा देखेगा। सो गाइस, ऊपर अगर आप लोगों ने स्तूपा जाना है तो आप लोगों को यहाँ से ये रास्ता दिख रहा होगा।
ठीक है, ये वाला जो स्पॉट है इधर से ही ऊपर जाते हैं, हाइकिंग के लिए होता है। गाड़ी के जाना है तो इस स्तूपा के पीछे के साइड से, पीछे की साइड से, फल साइड से, ठीक है। हाइकिंग जाना है, बोटिंग प्लस हाइकिंग ये है, ठीक है, बोटिंग प्लस हाइकिंग। ओके, तो इस रेस्टोरेंट तक लोग पहुंचते कैसे होंगे? आता है बोट में। अच्छा, बोट में आते, ऊपर जाता है, आता है, भूख लगता है, खाता है। सो गाइस, हम लोग अभी बोटिंग करके आए हैं और भाई हमें पता नहीं, बम में इतना पेन हो रहा है ना, क्योंकि वो फटा था और फटे की वजह से दर्द हो रहा है। और भाई मैं आपको एक चीज और रिकमेंड करूंगा कि सुपर बोट का भी, सुपर कह रहा हूं, स्पीड बोट का भी ऑप्शन है, वो लेना या तो फिर पैडल बोट, पैडल बोट लेना। हम लोगों को तो भाई उस टाइम पे ऑफर नहीं दिया, ऑफर क्या, हमने खुद नहीं लिया, क्या करें अब, जो होना था वो हो गया। हां, ये व्लॉग हो जाएगा बहुत ज्यादा बड़ा, मैं इसको इतना ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूँ। पोखरा में टेक्निकली आज हमारा फर्स्ट डे है, फुल डे वाला, एक दिन कल हो चुका है और अभी दो दिन और है। कुछ ना कुछ एक्सप्लोरिंग आप लोगों को करवाएंगे। राइट नाउ वी आर हैविंग आवर लंच, बहुत लेट है, ऑर्डर अभी ऑर्डर होगा। सो आज होटल के ही हम लोग रेस्टोरेंट में जो है खाना ट्राई कर रहे हैं। मेरे को दाल चावल ही खाने का मन है, ज़्यादा कुछ मैं ट्राई नहीं करना चाहता। आकृति कुछ ट्राई कर लेगी। एंड इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप यू ऑल एंजॉयड। अगर आप लोगों ने इस पॉइंट तक इस वीडियो को देखा है, लाइक शेयर कमेंट्स करके जरूर जाइएगा। अगर आपको लगता है कि और ब्लॉग देखने, सब्सक्राइब करो इंस्टाग्राम मुसाफिर @11, फेसबुक मुसाफिर स्क्वाड। सो विद दिस गाइस करते हैं आज के वीडियो को एंड। सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड